सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, मैकबुक एयर जो कि नेक्स्ट मैक लाइनअप का मैकबुक एयर होने वाला है, और इस वीडियो में बात करने वाला है इसी न्यू मैकबुक के 5 न्यू फीचर्स के बारे में, जो कि हम सभी को नेक्स्ट मैकबुक एयर के लाइनअप में देखने को मिल सकता है। क्या चेंजेस, क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं, सारे कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख रहे, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। सो आप सभी को मैकबुक एयर का जो डिजाइन होने वाला है, सेम एज आप सभी को जो करंट लाइनअप वाले मैकबुक प्रोस हैं उसी के जैसे ही देखने को मिलेंगे। सेम एज आप सभी को फ्रंट की साइड आप सभी को एक बड़ा सा नोज देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट मैकबुक एयर होने वाला है वो आप सभी को प्रीवियस मैकबुक एयर से ज्यादा लाइट और ज्यादा थिनर देखने को मिल सकता है। और सेकंड बात करते हैं, जो न्यू मैकबुक एयर होने वाला है उसमें आप सभी को बहुत सारे कलर वेरियंट देखने को मिल जाएगा। सेम एज आप सभी को आई मैक के जैसे ही इसकी कलर वेरियंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप सभी को ब्लू, ग्रीन, पिंक, सिल्वर, येलो, ऑरेंज बहुत सारे कलर वेरियंट्स देखने को मिल सकता है न्यू मैकबुक एयर में आप सभी को। और थर्ड फीचर्स की बात करें तो आप सभी को न्यू मैकबुक एयर में सेम एज डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी को मैकबुक प्रो जो करंट लाइनअप वाले डिस्प्ले में देखने को मिला था, जिसमें आप सभी को मिनी एलईडी का टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। वही टेक्नोलॉजी आप सभी को न्यू मैकबुक एयर में भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है एकदम एच टू एच देखने को मिलेगा, सेम एज आप सभी को मैकबुक प्रो के जैसे ही। और फ्यूर्थ फीचर्स की बात करें तो आप सभी को न्यू मैकबुक एयर में जो कीबोर्ड होने वाला है सिमिलर एज आप सभी को मैकबुक प्रो के जैसे ही कीबोर्ड देखने को मिलने वाला है। बस डिफरेंस ये होने वाला है दोस्तों कि मैकबुक प्रो में जो कीबोर्ड का कलर होता था फुल्ली ब्लैक होता था और फुल्ली स्पेस कलर में होता था, लेकिन जो मैकबुक एयर लाइनअप वाले कीबोर्ड होने वाला है उसमें आप सभी को एप्पल की तरफ से फुल्ली व्हाइट कलर का आप सभी को कीबोर्ड देखने को मिलने वाला है। और फिफ्थ फीचर्स की बात करते हैं, आप सभी को मैकबुक एयर में आप सबको M2 चिप देखने को मिलने वाला है एप्पल की तरफ से, लेकिन ये आप सभी को M1 प्रो और M1 मैक्स से आप सभी को ज्यादा पावरफुल देखने को नहीं मिलने वाला है। M2 चिप जो कि आप सभी को मैकबुक एयर में देखने को मिलने वाला है, लेकिन आप सभी को जो M1 चिप होने वाला है उससे आप सभी को कई गुना पावरफुल देखने को मिल जाएगा M2 चिप। M1 में आप सभी को 7 और 8 कोर का GPU देखने को मिला था, लेकिन M2 में आप सभी को 9 और 10 कोर का GPU देखने को मिल जाएगा, जो कि आप सभी को M1 चिप से M2 में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता। और वहीं आप सभी को न्यू मैकबुक एयर की पोर्ट्स की बात करें तो आप सभी को वही मल्टीपल USB-C थंडरबोल्ट पोर्ट्स देखने को मिलेगा, कोई भी आप सभी को HDMI पोर्ट्स या SD कार्ड का प्रो पोर्ट्स देखने को नहीं मिलने वाला है, जो कि आप सभी को मैकबुक प्रोस में देखने को मिला था। तो गाइस, यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप सभी का ये भी सवाल होगा कि ये न्यू मैकबुक एयर कब लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। तो आप सभी को मिन ची को जो कि एप्पल के रिलायबल लीकर है उनके हिसाब से आप सभी को इसी साल के अगस्त या सितंबर में ये न्यू मैकबुक एयर लॉन्च होते हुए देख सकता है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। सो गाइस, आप सभी को इन 5 न्यू फीचर्स में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा फीचर्स लगा आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आप सभी वीडियो पसंद लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू।